you. Okay, ladies and gentlemen. Thank you. Boys and girls. आ जाओ जोश में, क्योंकि मैं शाहरुख खान पेश करने जा रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति। कहते हैं ऊपर वाले ने पांच एलिमेंट्स मिला के ये दुनिया बनाई, और हमने उन्हीं पांच एलिमेंट्स को मिलाकर ये खेल, धरती जैसी हिम्मत, आसमान जैसी आस, आग जैसा जोश, पानी जैसी मिठास, और इन सबसे बढ़ के हवाओं जैसा आत्मविश्वास। ये पांच उंगलियां मिल जाएं तो जिंदगी की हर बाजी हमारी मुट्ठी में है। बचपन में एक कहावत सुनी थी, सांच को आंच नहीं, पर आज मैं कहता हूं कि पांच को आंच नहीं, हमारा आपका साथ भी अब सिर्फ पांच दिन और। लेकिन आइए इन पांच दिनों में समेट लें एक सदी, एक दौर। आज मेरे सामने बैठे हैं टी परेश, जो दिल्ली से आए हैं और दो सवालों का सही जवाब देकर 3,000 रुपए जीत चुके हैं। अब ये खेलेंगे तीसरा सवाल, और इनके साथ खेलेगा पूरा इंडिया किस, यानी खेलो इंडिया साथ साथ। यहां मैं टी परेश से जो भी सवाल पूछूंगा, आप भी घर बैठे बैठे उसका जवाब हमें जल्दी से फोन और SMS के जरिए भेजिए, और जवाब देने के लिए आपके पास समय होगा सवाल पूछे जाने से लेकर उसके सही जवाब रिवील होने तक, यानी ग्रीन सिग्नल होने तक। ऑप्शंस ABCD के लिए आपको 1, 2, 3, 4 फ्रीज करना है, और अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो तभी आप ये खेल खेल सकते हैं। और टी परेश, जिसकी उम्र 100% 18 साल से ज्यादा है, उनकी मूछों से मुझे मालूम पड़ रहा है कि 18 साल से बड़े हैं, आप खेलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। जोक सुनाओगे या 20,000 जीतने के बाद जोक सुनाओगे? क्योंकि मैंने ये बात पता की है कि तुम जोक सुनाते हो बहुत, तुम जोक से इकट्ठे करते हो, इकट्ठे करते हो, तो सुनाते भी हो या सिर्फ इकट्ठे करके बैंक में रखते हो? सुनाता कम ही हूं, बट हमको जरूर सुनाना था, 20,000 रुपए जीत जाओगे। ठीक है, ठीक है, ओके। मैं यहाँ के कंटेस्टेंट्स को फटाफट बता दूं कि आप भी साथ साथ खेलते रहें, क्योंकि आप भी यहाँ से 2,00,000 रुपए जीतकर घर जा सकते हैं। अब मैं पूछूंगा तुमसे तीसरा सवाल 5,000 रुपए के लिए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ₹5,000 के लिए तीसरा सवाल, पेरी। मिस्टर कंप्यूटर, थर्ड क्वेश्चन पेश किया जाए। बीमर टर्म का प्रयोग इनमें से किस खेल में किया जाता है? ऐसा स्माइल कर रहे मालूम है मुझे, मालूम है? शायद ओके, ट्राई करते हैं। ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी शतरंज, डी हॉकी। बी क्रिकेट शायद है, पक्का पक्का है? पक्का पक्का, अभी तो बोला शायद, नहीं नहीं मैंने कहा अभी ऑप्शन आ गया तो पक्का हो गया। ओके मिस्टर कंप्यूटर, बी क्रिकेट, फ्रीज इट प्लीज। And yes, 5,000 rupees to you. Big cricket is the right answer. Well done. Fourth question, 10,000 rupees. Mr. Computer, Paresh ke liye pesh kiya jaye. Inme se kaun naam ek vaccine ka hai jo diphtheria, tetanus aur pertussis se bachav ke liye diya jata hai? Aapki choices hain A, DCP, B, DMRC, C, DTC aur D, DPT. I will have to use lifeline. सोच लो, 2 सेकंड, बड़ा आसान है ये एक्चुअली। जब तुम्हें मालूम पड़ेगा आंसर, तुम कहोगे ओहो ये तो मुझे मालूम था। होना तो DPT चाहिए। क्यों होना चाहिए? Because all 3 letters are there. ओह ये बात। ऑडियंस पोल लेना चाहोगे? ओके मिस्टर कंप्यूटर, टी परेश जो दिल्ली से हैं, अपनी ऑडियंस पोल लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्लीज उन्हें ये ऑप्शन दिया जाए। मम्मी जी आप भी वोट जरूर कीजिएगा। आप लोगों ने सवाल सुन लिया है, फिर से बताता हूँ, इनमें से कौन सा नाम एक वैक्सीन का है जो डिप्थेरिया, टेटनस और पर्टुसिस से बचाव के लिए दिया जाता है? आपकी चॉइसेस हैं ए DCP, बी DMRC, सी DTC, डी DPT। जल्दी से अपने पोल पैड्स पर ABCD दबाएं और परेश की मदद करें। आपका पोलिंग का टाइम शुरू होता है नाउ।89% को लगता है DPT, 8% को लगता है DTC, 2% को लगता है DMRC, और एक कोई है कोने में बैठा हुआ जिसको लगता है DCP। एक और बजे, एक और बजे कि DPT।
बाकी सब किसी दूसरी चीजों के एब्रीवेशन हैं, बट माय बायोलॉजी इन जनरल इज सो पैथेटिक दैट आई कुडंट टेक एनी चांस. जाना ही पड़ेगा डीपीटी के साथ. डीपीटी के साथ जाना पड़ेगा. डीपीटी. ओके मिस्टर कंप्यूटर, डीपीटी को फ्रीज कर दीजिए प्लीज. एंड यस, डीपीटी इज द राइट आंसर. 10,000 रुपीज. ₹20,000 के लिए पांचवा सवाल, ये पहला पड़ाव होगा. एक लाइफलाइन तुम्हारी अभी खत्म हो गई है, एक लाइफलाइन तुम्हारे पास आ सकती है. जल्दी से पूछता हूं मिस्टर कंप्यूटर, फिफ्थ क्वेश्चन परेश के लिए जल्दी से पेश किया जाए. मास्टर प्लान 2021 में किस महानगर की रूपरेखा निर्धारित की गई है? आपकी चॉइसेस हैं ए चेन्नई, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी कोलकाता. सी दिल्ली. मालूम अपना शहर है, इतना तो मालूम अपना शहर है, इतना तो मालूम होगा. ओके मिस्टर कंप्यूटर, सी दिल्ली. फ्रीज इट प्लीज फॉर परेश. एंड यस, सी दिल्ली इज द राइट आंसर. 20,000 रुपीज परेश, वेल डन. कोई जोक सुनाओगे? जोक अब तो पीछे पड़े. जोक नहीं, मैं तो पीछे पड़ गया. अभी छोड़ता हूँ तुम्हारा पीछा, अगले सवाल में ही छोड़ता हूँ तुम्हारा पीछा. देखो तुम्हारा आगे पीछे सब छोड़ दूंगा मैं एक सेकंड. डजंट मैटर, कमिंग हियर इज यू नो इज वर्थ द एक्सपीरियंस बाय इटसेल्फ. चलो जोक से पहले तुम्हें बता दूं कि एक सीरियस बात यह है कि तुम्हारे पास अभी एक लाइफलाइन नई वाली आ गई है. फ्लिप द क्वेश्चन, यानी अलट पलट. अगर सवाल पसंद नहीं आएगा तो तुम सवाल बदल सकते हो. जोक सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दो. नहीं, इट्स एन इंसिडेंट व्हिच आई वांट टू टेल. हां बताओ, इंसिडेंट बताओ. कॉलेज में हम लोग मंडी हाउस के आसपास प्लेस देखने जाते थे आफ्टर कॉलेज. तो मैं और एक मेरा दोस्त है, अभी वो एक प्रोग्राम देख रहा होता है, उसका नाम मूर्ति है. मूर्ति बाइक में, मेरे बाइक में बैठ के जाते थे. तो एक दिन जा रहे थे तो एक रेड लाइट पे वो उतरा कुछ एडजस्टमेंट करने, पता नहीं किस लिए. मैं चला गया आगे. आई केप्ट टॉकिंग टू हिम ऑल द वे एंड व्हेन बट ही रीच बिफोर मी समहाउ आई गॉट द शॉक ऑफ माय लाइफ व्हेन आई सॉ हिम स्टैंड. और तुम पीछे बात कर रहे थे उससे? बात कर रहा था. तो मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ू. और ये रिफ्लेक्ट भी करता है कि तुम कितना अच्छी गाड़ी चलाते हो या स्कूटर चलाते हो. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल कम बैक क्विकली एंड फाइंड आउट मोर एम्बैरेसिंग थिंग्स अबाउट परेश. मेरा परी जो दोस्त यहाँ पर बैठा हुआ है, आप लोग एक छोटा सा ब्रेक लें, फटाफट वापस आ जाएं बिकॉज हम यहाँ पर बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं. ठीक है, ब्रेक. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स. मेरे सामने बैठे हुए हैं परेश, जो दिल्ली से हैं और अभी तक 20,000 रुपए जीत चुके हैं. तीन लाइफ लाइन्स इनकी बकाया हैं. छठा क्वेश्चन 40,000 रुपए के लिए है. जल्दी से खेलता हूं तो मैं पीछे छोड़कर नहीं जाता हूं. मिस्टर कंप्यूटर, सिक्स क्वेश्चन फॉर 40,000 रुपीज पेश किया जाए. पैम्बा नदी के किनारे चलकर आप किस धार्मिक स्थान पर पहुंचेंगे? आपकी चॉइसेस हैं ए सबरीमाला, बी तिरुपति, सी श्रृंगेरी, डी रामेश्वरम. आई डोंट थिंक इट्स तिरुपति. तिरुपति नहीं लगता है आपको?